दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या रातों रात एशिया के इस सबसे रईस आदमी को अरबों की चपत लगाने वाला ये विदेशी मोदी सरकार के खिलाफ किसी प्रोपोगेंडा के तहत काम कर रहा है? जिस अमेरिकी रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने अडानी को दुनिया के तीसरे सबसे रईस आदमी की लिस्ट से सीधे खिसकाकर सातवें पायदान पर पहुंचा दिया, क्या वो एक्चुअली में मोदी जी को साल 2024 के चुनाव में हराने के लिए ऐसा कर रहा है? बड़ा अजीब सवाल है, नहीं लेकिन मेरा नहीं है। दोस्तों हुआ क्या है ना, पिछले 8 सालों में एक खास प्रोपोगेंडा चलाया गया है कि मोदी या सरकार का विरोध मतलब देश का विरोध। सवाल पूछती ऐसी हर आवाज को राष्ट्र विरोधी कहकर अलग थलग कर दिया गया, लेकिन यह प्रोपोगेंडा अब मोदी या उनकी सरकार से आगे बढ़कर अडानी के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री देखिए क्या कह रहे हैं। फाइजर, बीबीसी, हिंडनबर्ग, 2024 चुनाव से पहले लिस्ट बनाते जाइए। यानी विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं कि अडानी की कंपनियों पर अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मोदी सरकार के खिलाफ साजिश है। वाह, अरे विवेक अग्निहोत्री जी, अडानी ना तो देश है ना ही देश अडानी है। लेकिन ये बोलकर भक्ति के चक्कर में विवेक अग्निहोत्री एक ब्लंडर कर गए। ब्लंडर ये कि ये विवाद अब तक एक रिसर्च फर्म और एक उद्योगपति के बीच है। इसमें सरकार ने अब तक कोई भी बयान देने से बचने की कोशिश की है, तो फिर विवेक अग्निहोत्री ने इसमें मोदी एंकल कहां से ढूंढ लिया। हिंडनबर्ग ने इससे पहले खुद अपने देश की कई कंपनियों, कई अमेरिकी कंपनियों के गड़बड़ झाले पर रिपोर्ट छापी है, तो क्या वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ इन्होंने एजेंडा चलाया था? अलबत्ता सवाल तो ये पूछे जाने चाहिए कि आखिर क्यों भारतीय बैंकों ने अडानी ग्रुप की कंपनियों को करीब 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है। अगर अडानी ग्रुप ये पैसा नहीं लौटा पाया तो बैंकों का यानी आपका हमारा पैसा डूब नहीं जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? भगवान न करे अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग आएंगे जवाब देने के लिए? खुद तो एक एजेंडा वाली फिल्म बनाकर करोड़ों छाप लिए और दूसरों को बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। सवाल तो ये पूछे जाने चाहिए दोस्तों कि एक तरफ अडानी ग्रुप के शेयर लगातार गिरने का रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो फिर LIC ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जो निवेश कर रखा है उसका क्या होगा? अडानी ग्रुप की टॉप 5 कंपनियों पर पिछले 4 साल में कर्ज दुगना हो गया है, जानते हैं आप? क्यों भाई, एक कंपनी पर इतनी मेहरबानी क्यों? दोस्तों क्या आप जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 में अडानी ग्रुप पर 2,00,000 करोड़ का कर्ज था, जिसमें 80,000 करोड़ केवल बैंकों का था। ये पैसा कोई आसमान से टपका नहीं है बैंकों के पास, आपका हमारा ही पैसा है। जिस हिसाब से अडानी ग्रुप के शेयर टूट रहे हैं, सवाल ये कि कंपनी क्या इस पैसे को वापस रखने की हैसियत भी रखती है? इसके बजाय सोशल मीडिया में अडानी ग्रुप के खिलाफ आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को मोदी विरोध बताकर विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग आपके अपने पैसे से ना आपका ध्यान हटकाकर बेमतलब का एजेंडा खोज रहे हैं। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक दोस्तों सेबी हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट और पिछले साल अडानी ग्रुप द्वारा किए गए हर एक सौदे की बारीकी से जांच करेगा। तो किस आधार पर विवेक अग्निहोत्री इस मामले को मोदी विरोध से जोड़ रहे हैं भाई, जब सेबी खुद जांच करने बैठ गया? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दीजिए, चैनल को ज्वाइन भी कीजिए और सब्सक्राइब भी।